जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो गुवर्जायानं नमो लोये सवसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूमृतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमास्वामी कृतत्वार सूत्र सर्वार्थ सिद्धि वृत्ति जिसमें नौवां अध्याय है। नवे अध्याय में तप की चर्चा क्यों आई है? क्योंकि इस अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन है और संवर निर्जरा के कारण के रूप में तप की चर्चा आई और तप को खास करके निर्जरा का कारण कहा। काल पाए विधि झरना तासो निज काजन सरना तप करी जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। यानी तप से निर्जरा होती है कर्मों की, ये मुख्य रूप से बात कही जाती है। ये तीसरे सूत्र में चर्चा है इसकी, 321 पेज पर। संवर निर्जरा हेतु विशेष प्रतिपादनार्थम आह, संवर और निर्जरा के हेतुओं में से विशेष प्रतिपादन करने के लिए। इसका अर्थ गुप्ती समिति आदि जो है ये सामान्य हो गई और इसमें विशेष प्रतिपादन करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, तपसा निर्जरा च। कि तप तो कोई और बात होती है, आप इसे अलग से कैसे किस रूप में ले रहे हैं ये ऊहापोह कर रहे हैं। सबसे पहले ही तपो धर्मे अंतर्भूतम अपि पृथग उच्चते उभय साधनत्व ख्यापनार्थम संवरम प्रति प्राधान्य प्रतिपादनार्थम च। कह रहे वैसे तो गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषद जय चारित्र इनसे संवर होता है कहा था, उसमें जो धर्म आया उसके फिर 10 भेद बताएंगे और उनमें तप धर्म आ जाता है। जब उसमें अंतर्भूत ही हो गया फिर अलग से उल्लेख क्यों कर रहे हैं तप का, क्यों उल्लेख कर रहे हैं अलग से? दो बातें कह रहे हैं। एक पहली बात कहते हैं उभय साधनत्व ख्यापनार्थम, ये दोनों का साधन है, संवर का भी और निर्जरा का भी। एक तो इसके लिए पृथक उल्लेख किया, दूसरा संवरम प्रति प्राधान्य प्रतिपादनार्थम च, और संवर का भी प्रधान कारण है, औरों में से भी विशेष तप की विशेषता है ये बताने के लिए अलग से उल्लेख किया। सूत्र में तो निर्जरा की बात की है, संवर कहाँ से आया? कि च शब्द से संवर को भी उसमें शामिल किया गया है। ननु तपो अभ्युदयांगम इष्टम देवेंद्रादि स्थान प्राप्ति हेतु तो अभ्युपगमात। यदि तप से तो अभ्युदय का अंग है ये, अभ्युदय जीव का उत्थान हो, जीव ऊंची गति को प्राप्त करे खास करके, इसलिए देवेंद्रादि स्थान प्राप्ति हेतु इंद्रादि पदों की प्राप्ति के कारण है तप करना, क्योंकि अन्य मत वाले तो यही करते हैं। कोई ऋषि तप कर रहे थे ना और इंद्र का आसन डोलने लग गया था, कौन से ऋषि थे, तो वो घबरा गया कि ये तप कर लेंगे और इसे इंद्र का पद मिल जाएगा तो मेरा पद छिन जाएगा। तो उर्वशी रंभा और उनको भेजा था ना उनका तप भंग करने के लिए, कौन से ऋषि थे, विश्वामित्र, अन्य मत की बात है, अन्य मत की ही बात है। हाँ वैसे ये भी कह रहे हैं कि ऐसे इंद्रादि पद के साधन के रूप में कहा जाता है ना तप को, तो ये उस तप करके इंद्रादि पद की प्राप्ति होती है, तपों के माध्यम से इंद्रादि स्थान की प्राप्ति का कारण है, ऐसा ऐसा प्रसिद्ध है जगत में। तत् कथम निर्जरांगम स्यादिति, जो इंद्रादि पद का कारण होगा वह निर्जरा का अंग कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। न एष दोषः एकस्य अनेक कार्य दर्शनात् अग्निवत्, ये कोई दोष नहीं है, एक कार्य
एक कारण अनेक कार्य का हो सकता है या एक से अनेक कार्य होते हुए देखे जाते हैं। वहां तो ये है कि एक कार्य विषय अनेक कारण चाहिए, यहां ये कह रहे कि एक कारण से भी अनेक कार्य होते हुए देखे जाते हैं, अग्निवत अग्नि की तरह। कैसे? यथा अग्नि एको अपि विक्लेदन भस्म अंगारादि प्रयोजन उपलभ्यते। वैसे तो ये कार्यों में ऐसा कह सकते हैं कि जो तीन गुण लिए जाते ना, प्रकाशक दाहक और पाचक, रोज सुबह सुबह उठ करके देखना झाड़ू लगाने वाले कचरा इकट्ठा करते हैं और फिर क्या करते हैं, क्योंकि वो दाहक दहन करना चाहते हैं, और रोज सुबह सुबह सबकी रसोइयों में अग्नि जलती है किसके लिए, पाचक पकाने के लिए। और पहले ज़माने में जैसे अंधेरा होता था तो अग्नि जलाई जाती थी प्रकाशन के लिए। ये सभी एक ही अग्नि से कारण एक, कार्य अलग अलग होते हैं। यहाँ जो लिए विक्लेदन भस्म और अंगार इत्यादि, ये भी कार्य उसमें से होते हुए देखे जाते हैं। विक्लेदन का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ इसमें से। क्लेदन तो होता है गीला करना, क्लेदन का शब्द का अर्थ मिला गीला करना, तो ऐसा ले सकते हैं सुखाना, यानी आग से पानी हटा दिया, पानी को नष्ट मैंने खत्म कर दिया, समझ लो भाप बना करके, उस अर्थ में विक्लेदन ले सकते, सुखा दिया और फिर भस्म कर दिया जला करके किसी को। और अंगार के रूप में बिल्कुल धड़कती हुई अग्नि होती है। ये एक अग्नि के ही ऐसे अनेक कार्य देखे जाते हैं। तथा तपो अभ्युदय कर्म क्षय हेतु, इसी तरह तप भी जो है अभ्युदय सदगति ऊंची गति इसके लिए भी कारण बनता है और कर्म क्षय के लिए भी हेतु बनता है। वैसे तो मुनिराज आदि जो तपश्चर्या करते हैं वे तो कर्म क्षय के लिए ही करते हैं, लेकिन साधना की अपूर्णता जब रहती है तो इंद्रादि पद की प्राप्ति हो जाती है सहज ही, देवगति तो निश्चित मिलती ही मिलती है, यही कहा जाएगा। वो तप से देवगति में गए यही कहा जाएगा, और तप से कर्म की निर्जरा हुई, इस रूप में दोनों के लिए भी कारण कहा जा सकता है। यहाँ मुख्य रूप से निर्जरा के हेतु के रूप में उसकी चर्चा की गई है। इस सूत्र की चर्चा इस रूप में ली थी मैंने कि इसमें तप की व्याख्या आएगी, तप का लक्षण आएगा, लेकिन नहीं आया तप का लक्षण। तो आपके तप को लक्षण के लिए प्रवचन सार में स्वरूपे प्रतपनम तपा ऐसा जो लिया हुआ है उसके आधार से लेना चाहिए। आप कौन से सूत्र से भेद है? उन्नीस नंबर का सूत्र, 345 पेज पर, 344 से उत्थानिका शुरू हो जाती है। संवर के भेद क्या क्या कहे थे? संवर के कारण गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र। तो चारित्र तक की चर्चा करने के बाद अब आगे आह उक्तम चारित्रम, ठीक है आपने चारित्र का वर्णन कर दिया। तदनंतरम उद्दिष्टम यत तपसा निर्जरा च, उसके बाद जो आपने तपसा निर्जरा ऐसा कहा था, इति तस्य इदानीं तपसो विधानम कर्तव्यम, अब इस वो तप का विधान करना चाहिए। तप का विधान कैसे करना चाहिए? पूजा लिख करके करना चाहिए, मंत्र बोल करके अर्घ चढ़ा करके करना चाहिए ना विधान। विधान माने विस्तार से कथन, विस्तार से वर्णन करना, और वहाँ भी पूजन का भी विधान जो हो रहा है वो विस्तार ही है, जिसकी भी अपन करेंगे उसके अधिक विस्तार में जाना वो विधान कहलाएगा। तद्विविधम, तप की चर्चा प्रारंभ करते हैं, वह दो प्रकार का है, बाह्यम अभ्यंतरम च। तत्प्रत्येकम षड्विधम, वे दोनों भी बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के तप कितने प्रकार के हैं? छः प्रकार के हैं, इसका अर्थ छः प्रकार के हैं। तत्र बाह्य भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह, उसमें से जो बाह्य तप है उनके भेदों का प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं।
अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपाम। यहाँ भी एक वचन लिया तपः, यहाँ इस बात पर तो विस्तार में नहीं गए कि छः है फिर तप एक ही वचन क्यों लिया, इस पे नहीं गए, लेकिन एक वचन लिया, ये बाह्य तप है, बाह्य तप के ये छः भेद हैं। यहाँ अनशन अवमौदर्य का लक्षण जो दिया है, बल्कि वृत्ति परिसंख्यान का भी, उसमें लक्षण नहीं दिया बल्कि फल बताया, मैंने या हेतु दिया कि किसके लिए ये किया जाता है, वो हेतु की बात करते हैं। दृष्ट फल अनपेक्षम संयम प्रसिद्धि रागोच्छेद कर्म विनाश ध्यान आगम अवाप्तिर अवाप्त्यर्थम अनशनम। वो कह रहे अनशन तो प्रसिद्ध है, अनशन माने न अशनम, अनशनम अशन माने भोजन नहीं करना, वो अनशन है, लेकिन किस लिए किया जाता है, पहले नास्ति से ले रहे हैं। दृष्ट फल अनपेक्षम, जो ऐसे दृष्ट अदृष्ट क्या अर्थ लगाते पता नहीं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मंत्र साधना आदि की अपेक्षा किए बिना, माने कोई फल की अपेक्षा किए बिना, अभी हम उपवास कर रहे हैं तो इसका फल ऐसा मिलना चाहिए, ये इसकी अपेक्षा के बिना किसके लिए, फिर संयम की प्रसिद्धि, राग का उच्छेद, कर्म का विनाश, ध्यान और आगम की प्राप्ति। ध्यान और आगम की अवाप्ति माने क्या, ध्यान में अच्छी तरह से एकाग्रता हो सके, और आगम की प्राप्ति का माने अध्ययन में एकाग्रता से मन लग सके, इसके लिए अनशन, ये अनशन करना, उपवास करना। ऐसे ही अवमोदरी के लिए भी कहते हैं संयम प्रजागर, संयम प्रजागर ये पूरा एक आ जाएगा, दोष प्रशम संतोष स्वाध्यायादि सुख सिद्ध्यर्थम अवमौदर्यम। संयम को जागृत करने के लिए विशेष रूप से धर्म के 10 लक्षण तप धर्म में सबने चर्चाएं पड़ी है कि तप जो है उत्तर उत्तर कैसे है, उत्कृष्ट है, अनशन से अवमौदर्य उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। किस कारण से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें इच्छा का निरोध ज्यादा है, बिल्कुल ही भोजन नहीं करने से भोजन के लिए बैठना और फिर अल्प भोजन करना, इसमें इच्छा का निरोध ज्यादा है। अवमौदर्य करने वाला भोजन के लिए बैठा हुआ है और फिर वह कम भोजन से ही अपने को निवृत्त कर लेता है, कम भोजन करके भोजन छोड़ देता है, कहते उसका संयम जागृत हो रहा है, उसे संयम, इसलिए संयम प्रजागर कहा उसे। दोष प्रशम, अधिक भोजन करने से जो दोष आते हैं वो दोष ना हो, इसलिए दोषों की शांति के लिए। संतोष, मेरा संतोष का गुण समझ लीजिए प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, मैं जितना प्राप्त होगा उसमें संतुष्ट हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, इसके लिए। और स्वाध्याय आदि सुख सिद्ध्यर्थम, और स्वाध्याय आदि जो क्रियाएं हैं वो अच्छे से हो जाए, अधिक भोजन करे तो उसमें प्रमाद आएगा, इसलिए भी अवमौदर्य किया जाता है। इसमें वास्तव में उसके हेतु ही बताए या उपयोगिता बता दी उसकी। अगला है वृत्ति परिसंख्यान क्या होता है। भिक्षार्थिनो मुने हैं एकागारादि विषय संकल्प चिंतावरोध वृत्ति परिसंख्यानम आशा निवृत्त्यर्थम अवगंतव्यम। भिक्षार्थी मुनि, मुनि को क्या कह रहे हैं, भिक्षार्थी। और चूंकि ये जो अगला तप है वह आहार से संबंधित है, जो आहार के लिए निकलेंगे नहीं उनका तो हो ही नहीं सकेगा तप, इसलिए जो भिक्षार्थी मुनि है, भिक्षा या जिस मुनि को आज आहार के लिए जाने का विकल्प है और निकले, वो भिक्षार्थी मुनि। और वे मुनि क्या परिणाम लेकर के चलेंगे, एकागारादि विषया संकल्प, हाँ बस एक घर तक जाएंगे, वहाँ विधि मिली
तो आहार लेंगे, नहीं मिली तो नहीं लेंगे, ऐसा ऐसा नियम ले कि कोई भी हो सकता है। एक तो एक कह दिया, दो घरों तक जाएंगे या वहाँ पर जाने पर इस प्रकार से विधि होगी तो लेंगे इत्यादि से संकल्प करके चिंता अवरोध, अपने जो भोजन की चिंता या इच्छा हुई थी उसका अवरोध करना, ये वृत्ति परिसंख्यान कहलाता है। किस लिए किया? आशा निवृत्त्यर्थम, हमारी आशा की निवृत्ति हुई कि नहीं हुई है, इच्छा की निवृत्ति हुई कि नहीं है। आहार की इच्छा तो हुई थी लेकिन हम अभी उस पर और नियंत्रण कर सकते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप किया जाता है। अगला कौन सा है? रस परित्याग। रस परित्याग में तो रसों का त्यागना ही, इसलिए इसकी भी परिभाषा लक्षण के रूप में न कहते हुए उपयोगिता ही बता रहे हैं। इंद्रिय दर्प निग्रह निद्रा विजय स्वाध्याय सुख सिद्ध्यादि अर्थः घृतादि वृष रस परित्याग चतुर्था चतुर्थम तपा, है ना, चतुर्था तपा नहीं चतुर्थम तपा, चतुर्थम तपा माने नपुसक लिंग हो ना, तपा यानी विसर्ग लगा इसलिए पुल्लिंग नहीं समझे उसे, चतुर्थम तपा ऊपर है, बाह्यम तपा तो आई गया ना, बाह्यम तपा। इंद्रिय दर्प निग्रह, वो यदि करिष्ट भोजन आदि लेंगे कि तो क्या होगा, इंद्रियों का दर्प बढ़ेगा, इसलिए इंद्रियों का मद, इंद्रियों के मद का निग्रह करने के लिए, निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए, स्वाध्याय इत्यादि सुख सिद्ध्यर्थम। देखो स्वाध्याय की सिद्धि के लिए कितना जोर दिया जा रहा है, सारे तपों को स्वाध्याय की सिद्धि के रूप में ले रहे हैं। मुनिराज को दो ही कार्य है ना, ज्ञान ध्यान तपो रखता, तो स्वाध्याय अच्छी तरह से होवे इसके लिए घृतादि वृष रस परित्याग, घृत इत्यादि गरिष्ठ रसों का त्याग करना। मुनिराज को जो रसी है दिन के हिसाब से, सोमवार को रविवार को जो निश्चित है ना, ऐसे एक 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 दिन त्यागना, ये रसी रस परित्याग करना जरूरी है क्या? ये गृहस्थों के लिए है, मुनिराज के लिए ऐसा निश्चित, अन्यथा फिर आप बनाने वाले तो उस दिन वो रस छोड़ करके ही बनाएंगे ना मुनिराज का आहार, तो ऐसा ऐसा नहीं, वो तो निश्चित स्वयं ही उस प्रकार के रस का त्याग कर देंगे, जिस दिन जिस रस का त्याग होगा वो आहार नहीं लेंगे, इस तरह से रस का त्याग वो करेंगे। तो घृतादि वृष रस और विशेष करके गरिष्ठ भोजन नहीं लेंगे, ये उनके रस परित्याग नाम का चौथा तप है। अगला क्या है? विविक्त शय्यासन है। अब विविक्त शय्यासन को भी, विविक्त शय्यासन तो कहाँ निवास करना है तो बता ही रहे हैं, लेकिन क्यों? शून्यागारादिषु विविक्तेषु जंतु पीड़ा विरहितेषु संयतस्य शय्यासनम आबाधा अत्यय, शय्यासनम आबाधात्यय ब्रह्मचर्य स्वाध्याय ध्यानादि प्रसिद्ध्यर्थम कर्तव्यम। शून्यागार में कुछ कोई जहाँ पर नहीं रहता हो ऐसे स्थान पर, विविक्तेषु या छोड़ दिया है ऐसे स्थान पर, जंतु पीड़ा विरहितेषु, ये क्या है? जंतुओं की पीड़ा जहाँ नहीं होती हो, इसका मतलब ये हिंसक पशुओं से बचने के लिए ऐसा इनकी भी तकलीफ नहीं देवे, उसकी जगह माने बाधक नहीं बने इसके लिए। ये जंतु पीड़ा, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि लोग आकर के समय खराब करते हैं, वे भी जंतु हैं, वे भी पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वो उसके भी दूर करने की बात ले सकते हैं, या वैसे भी अनावश्यक उसमें जाकर के तकलीफ देवे ऐसी जगह जाकर के क्यों बैठना, जहाँ ज़्यादा कष्ट न हो, बाधा नहीं पहुँचे, ऐसे स्थान पर संयत के शय्यासनम, ये आबादात्य क्या लिया है, शय्यासनम शय्या आसन लगाना चाहिए।
शून्य घर आदि में निर्बाध ब्रह्मचर्य, हाँ निर्बाध ब्रह्मचर्य के लिए कहा आबाधात्यय ब्रह्मचर्य, माने बाधा से रहित ब्रह्मचर्य हो, निर्बाध ब्रह्मचर्य का पालन होवे, स्वाध्याय ध्यानादि प्रसिद्धि हो, स्वाध्याय ध्यान आदि निर्विघ्न तरीके से हो सके, इसलिए ऐसे स्थान पर जाकर के बैठना और सोना, विविक्त शय्यासन, सब में ध्यान आदि की वृद्धि की ही मुख्यता है। प्रसिद्ध्यर्थम कर्तव्यम इति पंचमम तपः, ये पांचवा तप हुआ। अगला काय क्लेश, काय क्लेश माने शरीर को कष्ट देना है ना, हाँ लेकिन किस लिए कैसे, आतपस्थानम वृक्ष मूल निवासो निरावरण शयनम बहुविध प्रतिमा स्थानम इत्येवम आदि ही काय क्लेशः तत्षष्टम तपः। आतपस्थानम यानी जहाँ सीधी धूप आती हो ऐसे स्थान पर बैठना, समझ लीजिए तप करना, वहाँ बैठ करके ध्यान आदि करना, आतपस्थानम वृक्ष मूल निवासः, पेड़ के मूल में, मुनिराज के लिए कहा ना ग्रीष्म ऋतु गिरिराज शिखर चढ़ अग देहते, और वर्षा में वर्षा तरुतल वृक्ष के नीचे, और सर्दी में सर्दी के दिनों में कहाँ रहते हैं नदी के किनारे, ये सभी वही लेना चाहते हैं। निरावरण शयनम कोई कहाँ आवरण नहीं है, ये माने ठंड के लिए समझ लीजिए, यहाँ बाधा भी आती हो ऐसे जगह पर। बहुविध प्रतिमा स्थानम ऐसे अनेक स्थान पर जाकर के प्रतिमा योग धारण करना, वहाँ ध्यान करना निश्चल होकर के, ये जो है अब गर्मी में बिल्कुल सीधी धूप आ रही वहाँ जा रहे तो शरीर को विशेष कष्ट पहुँचेगा, बरसात में पेड़ के नीचे है तो उस समय पर और अधिक पानी की बाधा हो जाएगी, सर्दी के दिनों में निरावरण में कर रहे हैं तो अधिक तकलीफ होगी, इस तरह का काय क्लेश ये छठवा तप है। तत् किमर्थम शरीर को पीड़ा क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हैं, किस लिए, देह दुख तितिक्षा सुख अनभिष्वंग प्रवचन प्रभावनाद्यर्थम। देह दुख तितिक्षा, तितिक्षा मैंने क्या लिए, सहन करना, मैंने उसको देह के दुख को सहन करना, देह दुख तितिक्षा माने मेरी देह कितनी पीड़ा सहन कर सकती है, या ये समझ कि देह के प्रति मेरा ममत्व कम हुआ कि नहीं हुआ, ये देखने के लिए। सुखानुभिष्वंग सुख के प्रति आसक्ति कम होना ना, सुखों के प्रति आसक्ति न रहे अधिक, माने इसलिए हमेशा सुख सुख में रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा ना कि यदि सुख की स्थिति में ज्ञान अर्जन किया गया है, क्षीयते दुख सन्निधौ, मतलब आराम से जहाँ आपने अध्ययन किया और ये तप करने की भी सभी साधना आराम से की है, यदि दुख के कारण आ गए तो फिर सब धरा रह जाता है, तो कह रहे इसलिए अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्माद् भावयेत्, माने इसलिए कह रहे दुख जबरदस्ती करके भी उसकी भावना करो, कृत्रिम खड़ा करो और उसमें अपनी परीक्षा करो, तो काय क्लेश समझ लीजिए अपनी परीक्षा करने के लिए, कृत्रिमता से भी स्वयं करके भी, अब किसके लिए ये हमारे दुख के प्रति सहन करने की क्षमता, इससे फिर वो आगे कह रहे हैं परीक्षा और इसमें अंतर क्या है ये बता रहे हैं आगे स्वयं, फिर और बात करते हैं। एक और बात ली इसमें प्रवचन प्रभावना, ये क्या है प्रवचन प्रभावना, प्रवचन प्रभावना माने जिनमत की प्रभावना, तो ऐसे कैसे जिनमत की प्रभावना हो रही है, तो ऐसे देख करके कहते ना देखो जिन धर्म के जैन मुनि कैसे कठोर तपस्वी है, कितना श्रेष्ठ धर्म है, वैसे ही सर्दी गर्मी कुछ भी हो बिल्कुल धागे बराबर वस्त्र नहीं रखते, इसमें ही अपने आप में बहुत श्रेष्ठता मानी जाती है, एक बार आहार लेते हैं उसके बाद पानी भी नहीं लेते हैं, ये इन सब बातों से,
और ऐसा उग्र कठोर तप करते हैं तो विशेष जिनमत की प्रभावना होती है, इसलिए हाँ ये साधन नहीं है, इसलिए बाह्य कहा है। आगे आगे ऐसे कह भी रहे उसे, हाँ जी क्रिया 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 से तो होनी भी नहीं है ना, शारीरिक क्रिया से तो होना भी नहीं है, शारीरिक क्रिया से नहीं होगा। और इस प्रकार के करने के लिए जो कषाय की मंदता रूप परिणाम है उससे भी नहीं होना है, इसलिए असली तो ध्यान है, अंतिम असली ध्यान ही है जो स्वरूप की एकाग्रता पूर्वक होगा, असली तो निर्जरा उसी से होगी, ये सब साधन रूप ही है उसके। परिशहस्य अस्य च को विशेषा, भी यही तो परिशहों में हो रहा है, परिशह में भी शरीर को पीड़ा पहुंचती है और इसमें भी पीड़ा ही तो हो रही है, फिर परिशह से इससे क्या अंतर हुआ। यदृच्छयोपनिपतिताः परिशः, ये अपने आप जो आपतित है, यदृच्छ माने अपने आप स्वतः ही जो आए हुए वो तो परिशह कहलाते हैं, और स्वयं कृता काय क्लेशः, सर्दी गर्मी जो कुछ भी पड़ रही है उसे सहज सहन करना परिशय है, और हम पर्वत की चोटी पर जाकर के बैठ गए ये तो स्वयं किया, इसलिए स्वयं कृत होगा वो काय क्लेश कहा। ये भेदों की चर्चा हो गई, अब जो अंतिम बात अंतिम उहापोह कर रहे हैं वो सबके संदर्भ में है। बाह्यत्वम अस्य कुतः, ये जो बाह्य तप कहे गए इनका बाह्यपना कैसे है, बाह्य क्यों कहा इनको। बाह्य द्रव्य अपेक्षत्वात् पर प्रत्यक्षत्वाच्च बाह्यत्वम, क्यों है, क्योंकि इन सब में करीब करीब बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा है, बाह्य द्रव्यों का आलंबन है इसमें, अनशन भोजन से संबंधित, अवमोदर्य भी, रस परित्याग और वृत्ति परिसंख्यान, ये सब भोजन से संबंधित है, ऐसा इनका विविक्त शय्यासन आदि पर द्रव्यों से संबंध है बाह्य द्रव्यों से, और पर प्रत्यक्ष ये करते हुए दूसरों को भी दिखाई दे रहा है, इसी आधार से टोडरमल जी ने भी लिखा बाह्य तप क्यों कहा इसे, क्योंकि बाह्य से दूसरों को दिखाई देवे कि ये तपस्वी है, ऐसा बाहर से दूसरों को भी दिखता है, तो ये सब पर प्रत्यक्षत्वाच्च इसलिए इनको बाह्य कहा गया। आभ्यंतर तपो भेद प्रदर्शनार्थम आह, अब आभ्यंतर तपों की बात करते हैं। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानान्युत्तरम, चूंकि उधर बाह्यम तपा कहा है इसलिए उत्तरम, उत्तरम माने बाद के अंत, वो बाह्य हुआ तो दूसरा जो है अभ्यंतर तप के ये भेद है। कथम अस्य अभ्यंतरत्वम, इनको अभ्यंतर क्यों कहा, मनो नियमनार्थत्वात्, क्योंकि अब इनका कार्य है मन को एकाग्र करना, मनो नियमनार्थत्वात्, ये मन के एकाग्रता के कारण होने से इनको अभ्यंतर कहा गया है। अब संक्षेप में इनके लक्षण बताते हैं। प्रमाद दोष परिहारः प्रायश्चित्तम्, प्रमाद से जो दोष लगे हुए हों उनको दूर करना ये प्रायश्चित्त है। पूज्येषु आदरः विनयः, पूज्य जनों के प्रति आदर वह विनय है, जबकि विनय के तप आएंगे उसमें एक चौथाई हिस्सा होगा पूज्यों के प्रति आदर का, बाद फिर भी सामान्य रूप से यही लिया, पूज्येषु आदरः विनयः। काय चेष्टया द्रव्यांतरेण च उपासनम वैयावृत्यम, काया की चेष्टा से या अन्य द्रव्यों की सहायता से उपासना करना सेवा करना वह वैयावृत्ति कहलाती है। ज्ञान भावना आलस्य त्यागः स्वाध्यायः, स्वाध्याय किसे कहते हैं, ज्ञान भावना और आलस्य त्याग, ज्ञान की भावना और आलस्य त्याग माने आलस्य त्याग कर ज्ञान की भावना करना वह स्वाध्याय। आत्म आत्मीय संकल्प त्यागो वित्सर्ग, आत्मा आत्मीय संकल्प त्यागो या मेरा मेरे पने का, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि छोड़ना, आत्मा ये मैं हूं या मेरा है इस तरह से आत्मा में नहीं छोड़ना है, पर द्रव्यों में जिसमें है नहीं और उसमें पर में एकत्व ममत्व कर रहे हैं वो त्याग करना वित्सर्ग है।
चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम, चित्त का विक्षेप, चित्त जो भ्रमण हो रहा है उसको छोड़ना, एकाग्र करना, उसका नाम है ध्यान। ये तो सामान्य रूप से कहे। अब तद भेद प्रतिपादनार्थम, ये जो अंतरंग तब कहे थे उनके भेद बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानाथ। यथाक्रमम इति वचनात् नवभेदम प्रायश्चित्तम विनयश्चतुर्विधाः वैयावृत्त्यम दशविधम स्वाध्यायः पंचविधाः द्विभेद उत्सर्गः इति अभिसंबध्यते। अंतिम यथाक्रम को पहले ले लिया और उसी में से अर्थ निकाले। कैसे यथाक्रमम? 20वें सूत्र में ध्यान अंतरंग ध्यान के अभ्यंतर ध्यान के भेद बताए थे और 21वें सूत्र में उनकी संख्या बता रहे हैं और क्रम से लगाना है। तो उधर प्रायश्चित्त पहले था और यहाँ नौ संख्या आई, इसलिए प्राय नव भेदम प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित्त के नौ भेद है, विनय चार प्रकार का, वैयावृत्य दस प्रकार का, स्वाध्याय पांच प्रकार और व्युत्सर्ग दो प्रकार इति अभिसंबध्यते। प्राग ध्यानात् इति वचनम, ध्यानस्य बहुवक्तव्यत्वात् पश्चात वक्षते इति। प्राग ध्यानात् ही क्यों लिया? ध्यान भी तो अभ्यंतर तप था, उसके भेद भी बताना चाहिए थे लेकिन नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? क्योंकि वो बाद में कहेंगे। बाद में क्यों कहेंगे? बहुवक्तव्यत्वात्, उसके बारे में बहुत कुछ कहना है, इसलिए उसकी बात बाद में करेंगे। तो इसलिए अलग से ध्यान को अलग रखा। अब एक एक की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आद्यस्य भेद स्वरूप निर्ज्ञानार्थम आह, पहला जो प्रायश्चित्त तप कितने प्रकार का? नौ प्रकार। उसके नौ प्रकार कौन कौन से? आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक वित्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। तो ये तो क्रम से नाम है, अब इनका भी संक्षेप में स्वरूप बताते हैं। तत्र गुरवे प्रमाद निवेदनम दश दोष विवर्जितम आलोचनम। गुरवे प्रमाद निवेदनम, गुरु को प्रमाद का निवेदन करना, माने हम अपने से यदि प्रमाद हुआ हो तो स्वयं जाकर के गुरु से निवेदन करना, बताना, इससे क्या होगा? आलोचना होगी। तो उससे क्या होगा? ऐसा करने से क्या हो जाएगा? तो ये स्वयं की आलोचना हुई। जब हम दोष बता रहे हैं, दोषों का निवेदन, प्रमाद का निवेदन कर रहे हैं, इसका अर्थ मुझसे ये प्रमाद हुआ, तो ये कह रहे, इसी में ये बात आ गई कि होना नहीं चाहिए था और भविष्य में नहीं करूँगा, ये शामिल है उसमें, इसलिए ये प्रमाद निवेदन। दस दोष विवर्जितम, दस प्रकार के दोष छोड़ करके। अब दस दोष कौन से हैं? अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, जिनके विशेष जिज्ञासा हो वो विशेषार्थ में पढ़ लेना, जिसमें बता दिया है। अपन दोष तो बताने जाएंगे लेकिन पहले गुरु को कुछ उपकरण दे देंगे, आजकल की भाषा में कहे तो रिश्वत दे देंगे पहले से, ताकि कोई ज़्यादा बड़ी हमें क्या देते हैं बाद में, प्रायश्चित देंगे ना, दंड, कोई बड़ा दंड न देवे इसके लिए। तो इस तरह के दोष दिए गए हैं, या धीरे से कहना, थोड़ा सा उनकी प्रशंसा करते हुए कहना, ये सभी दोषों में शामिल किया है। सीधा सीधा आकर के दोष बताने चाहिए, बिल्कुल निष्प्रय भाव से बता देना चाहिए। और वैसे ये आहारचर्या के बाद का एक नित्य क्रम ही है उनका, एक तरह से आहारचर्या के बाद आएंगे तो आचार्य के पास जाएंगे और यदि कोई प्रमाद हुआ हो उसका निवेदन करेंगे। ये पहले आलोचन है। मिथ्या दुष्कृताभिधानाद अभिव्यक्त प्रतिक्रियम प्रतिक्रमणम। मिथ्या दुष्कृत अभिधानात्, इसको कहेंगे मिच्छा में दुक्कड़म, ये जो कहते हैं ना, हाँ? वो मिच्छा मी दुक्कड़म करते ना, वो गलत है। क्यों? मिच्छा मी दुक्कड़म नहीं है, मिच्छा में दुक्कड़म, माने मैं दुक्कड़म मिच्छा, मेरे द्वारा किए गए दुष्कृत जो है वो मिथ्या होवे,
ये कह रहे प्रतिक्रमण है ऐसा। मिथ्या दुष्कृत अभिधान, मेरे द्वारा किए गए दोष मिथ्या हुए, इसका अर्थ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। इस तरह से अभिव्यक्त प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, वो प्रतिक्रमण है। आलोचन और प्रतिक्रमण में प्रमाद सिर्फ बता दिया, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि ऐसा दोष मेरे से नहीं होना चाहिए था, ये दोष मेरा परिहार हुए, इस तरह और भावना करना वो प्रतिक्रमण में आएगा। वैसे जब आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये तीन जब लेते हैं तो वर्तमान की आलोचना, भूतकाल का प्रतिक्रमण और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान, इस रूप में भी लेते हैं। तद उभय संसर्गे सती विशोधनात् तद उभयम्, और दोनों निवेदन भी किया और मिथ्या होने की भावना भी भाई, तो दोनों एक साथ हो गए तो तद उभय कहलाए। संसक्त अन्न पान उपकरण आदि विभजनम विवेकः, ये भी थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। ये तो कह रहे कि संसक्त हुए अन्न पान उपकरण आदि का विभाग करना, ये मुनिराज को कहाँ विभाग करने की आवश्यकता है, अन्न पान मिल गए हैं, उपकरण ये मिले हुए, उसको विभाग करना ये एक समझ में नहीं आया। उपकरण आदि का विभाग करना विवेक प्रायश्चित है। संसक्त हुए अन्न पान उपकरण आदि का, संसक्त अन्न पान उपकरण आदि विभजनम, विभज करना माने क्या, त्याग माने भोजन पानी आदि छुड़वाना, तो किसका त्याग करना, दोष हुआ है, दोष हुआ उसको दूर करना, माने अन्न पान और उपकरण के संदर्भ में कोई दोष लगा हो उसे दूर कराना, ये विवेक नाम का प्रायश्चित है, माने उससे संबंधित। संसक्त अन्न पान उपकरणादि विभजनम, संसक्त माने उससे संबंधित, अन्न पान और उपकरण से संबंधित यदि दोष हुआ है तो उसे दूर कराना विवेक नाम का प्रायश्चित है। अगला क्या है, विवेक, विवेक में वित्सर्ग, कायोत्सर्गादिकरणम वित्सर्ग, कायोत्सर्ग आदि करना, शरीर के प्रति ममत्व छोड़ा इत्यादि, कायोत्सर्ग माने शरीर के प्रति ममत्व छोड़ इत्यादि करना, ये वित्सर्ग कहलाएगा। अनशन ओमोदर आदि लक्षणम तपा, इसमें भी तप लिया है, तप तो ये अनशन ओमोदर आदि, अब वो एक तरह से प्रायश्चित में भी किसी के ये करवाएंगे ना कि आज दो दिन का आप अनशन करेंगे, उपवास करेंगे, तो ये उसमें शामिल होगा, कल आप अवमदर्य करेंगे, इस तरह से देना वो भी वो तप के अंतर्गत आएगा। दिवस पक्ष मासादीना प्रवज्जा हापनम छेदहा, दिन पक्ष पखवाड़ा इत्यादि और महीना इत्यादि दीक्षा का छेद करना, वो छेद है, मैं इतने दिन की आपकी दीक्षा छेद दी, क्या होगा, हाँ बस वो पहले वाले दीक्षित मुनिराज, आप पहले दीक्षित थे, कोई मुनिराज बाद में दीक्षित थे तो बाद के दीक्षित मुनिराज आपको नमस्कार करते थे, आपकी यदि इतने दिनों की दीक्षा छेद दी कि आप उनसे कम दीक्षित वाले कहलाने लगे, तो फिर अब आपको उन्हें नमस्कार करना पड़ेगा जो आपको नमस्कार करते थे। इस तरह से आपके लगे हुए दोषों को दूर कराने के लिए छेद भी करवाया किया जा सकता है, छेद करते हैं। और इसी तरह पक्ष मासादि विभागे न दूरतः परिवर्जनम परिहारः, और ऐसे ही पक्ष महीना इत्यादि के लिए संघ से दूर कर देना, भाई आप इतने दिन तक संघ से दूर रहेंगे, तो ये परिहार नाम का प्रायश्चित है। पुनर्दीक्षा प्रापणम उपस्थापना, और फिर से दीक्षा, अब इसमें क्या हो गया, दीक्षा छेद दी थी ना, तो ये इसमें तो वो कुछ दिनों के लिए छेदी है, और इसमें पूरी तरह से दीक्षा छिद गई और फिर से नई तरह से दीक्षा दे दी गई, ये तो तभी होता होगा जब कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाता होगा, तो पूरी तरह से दीक्षा जितने वर्षों की होगी वो दीक्षा पूरी तरह छिल गई, छिद गई, और अब पुनः
दीक्षा ली दी जा रही है, पुनर्दीक्षा प्रापणम, ये उपस्थापना, तो बिल्कुल नवदीक्षित जैसे हो गए हैं, अब आप बिल्कुल नए की तरह आचरण करेंगे, सबके साथ सबको नमस्कार करेंगे, उस वहाँ से अपनी और साधना बढ़ाने की बात है। ये अंतरंग तपों में सबसे पहले प्रायश्चित की बात की। विनय विकल्प प्रतिपत्त्यर्थम आह, विनय तप के भेद बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, विनय इत्यधिकारेण अभिसंबंध क्रियते। विनय शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन समझ लेना, क्यों समझ लेना, क्योंकि प्रकरण चल रहा है। हाँ, यथाक्रमम था ना, यथाक्रमम था इसलिए पहले प्रायश्चित हो गया, इसलिए दूसरा अपने आप ही विनय जोड़ लेना इसके साथ में। कैसे जोड़ेंगे, ज्ञान विनयो दर्शन विनयश्च चारित्र विनयः उपचार विनयश्चेति, इस तरह से सबहुमानम मोक्षार्थम ज्ञान ग्रहण अभ्यास स्मरणादि ज्ञान विनयः। ज्ञान विनय क्या है, ज्ञान विनय किसे कहेंगे, शास्त्र भक्ति करना, सबहुमान अत्यंत बहुमान पूर्वक और एकमात्र उद्देश्य मोक्षार्थम, ज्ञान ग्रहण और उसकी का अभ्यास और स्मरण, ये सभी जो है ये ज्ञान के प्रति विनय कहलाएगी। पढ़ना, पुनः पुनः पाठ करना, याद रखना, ये सभी ज्ञान के प्रति विनय है। और एकमात्र उद्देश्य हो मोक्ष की प्राप्ति, और दूसरा ये सब करते हुए जिनवाणी के प्रति ये भगवान की वाणी ऐसा कह करके बहुमान का भाव हो। शंकादि दोष विरहितम तत्वार्थ श्रद्धानम दर्शन विनयः, दर्शन विनय तत्वार्थ श्रद्धा, शंकादि दोष उस पर जिनेन्द्र भगवान की वाणी के प्रति जिन वचन में शंकान धार, जिनेन्द्र भगवान के प्रति शंका नहीं करना, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान रखना वह दर्शन विनय है। सम्यक दर्शन की दृढ़ता दर्शन विनय है। तदवतश्चारित्रे समाहित चित्तता चारित्र विनयः, तदवतः चारित्रे, तद्वत माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक, फिर जो चारित्र है उसमें अपना चित्त देना, उसमें लगना, ऐसे चारित्र में संलग्न होना, ये चारित्र का विनय है। मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, चारित्र विनय हो गई। अब उपचार विनय, प्रत्यक्षेषु आचार्यादिषु अभ्युत्थान अभिगमन अंजलीकरण आदि उपचार विनय, ये प्रत्यक्ष में आचार्य आदि आ जाए। ज्ञान विनय आदि तो स्वयं करना है, लेकिन जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि से युक्त है ऐसे आचार्य आदि आते हैं तो अभ्युत्थानम खड़े होना, अभिगमन आगे जाकर के उनकी विनय करना, और अंजलीकरण माने ऐसे हाथ जोड़ करके विनय करना, ये सभी उपचार विनय कहलाएंगे प्रत्यक्ष सामने होने पर। परोक्षेषु अपि काय वांग मनोभिर अंजलि क्रिया गुण संकीर्तन नाम अनुस्मरण आदि, ये भी क्या है, उपचार विनय है। प्रत्यक्ष में तो करना ही करना, परोक्ष में भी काया से वचन से मन से क्या क्या करना, काया से अंजलि क्रिया नमस्कार करना, वचन से क्या करना गुण संकीर्तन, और मन से अनुस्मरण आदि उनका स्मरण करना, उनके गुणों का स्मरण करना, ये भी उपचार विनय कहलाएगा। इस तरह से विनय तप के ये भेद कहे गए। यहीं तक प्रकरण पूरा करते हैं, बाकी तपों की चर्चा प्रातःकाल करेंगे, और उसके बाद मोक्ष अधिकार लेना है, मोक्ष तत्व की ना ध्यान की आवश्यकता नहीं है, ध्यान वाले प्रकरण की जरूरत नहीं ना, ध्यान वाला प्रकरण है या सीधा मोक्ष अधिकार, हाँ मोक्ष तत्व वाली चर्चा देनी है। तो ये दो तीन सूत्र है इससे संबंधित, ये दो तीन सूत्रों के बाद में दसवां अधिकार ले लेंगे ना। चलिए, हाँ जी, हाँ करने वालों को करने उन्हीं उन्हीं के, हाँ
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।